गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिमा स्टूडियो पे। ये जो आप वाटरप्रूफ मेकअप देख रहे हैं, इसका पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे देखे रखा है। अब मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो पे मैं जो प्रोडक्ट यूज़ किया है इसी वाटरप्रूफ मेकअप में, वो प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रही हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट प्लम का टोनर यूज़ किया था, देन मॉइस्चराइज़र के लिए मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। मैंने प्राइमर यूज़ किया है कलर बार का, और मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है, आप देख ही सकते हैं, PSC का HD फाउंडेशन, जिसका शेड है 1.5। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ये मीडियम कवरेज देता है, बट बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। और मैंने इस फाउंडेशन को सेट करने के लिए बनाना पाउडर वेट एंड वाइल्ड का यूज़ किया है, और कंटूर के लिए कंटूर शेड यूज़ किया है मैंने सेम ही पैलेट से। देन शिवाना का मैंने ब्लशर यूज़ किया था, और हाईलाइट के लिए मैंने मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर यूज़ किया है, जिसका शेड है मॉल्टन गोल्ड। और मैंने पूरा मेकअप सेट करने के लिए यूज़ किया है मिस क्लियर का डू फिनिश लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे, एंड मैंने आईब्रो के लिए यूज़ किया है मिस फ्लेवर का जो ब्राउन पोमेट होता है, उसी से मैंने आईब्रो किया था। और मैंने आई मेकअप के लिए कार्निवल एक्सेल प्रो आई शेडो यूज़ किया है, एंड मैंने ग्लिटर के लिए कलर बोर्ड से ग्लिटर यूज़ किया था, और मैंने ग्लू के लिए लैश ग्लू के लिए PSC यूज़ किया है, और मैंने मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया जो फुल वाटर प्रूफ है। देन मैंने लिपस्टिक पर्पल का यूज़ किया है, और वो जिसका शेड आपको दिख जाएगा आपके इस पे, और मैंने मेबलिन का लिपस्टिक लास्ट में यूज़ किया है। तो ये प्रोडक्ट है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।